भाई सर अच्छी थी। कितनी अच्छी थी। सर ज्यादा भी अच्छी नहीं थी क्या हो गया सा? सर, छुट्टी के दिन सर ज्यादा पढ़ना पड़ता है। अच्छा घर वाले डांटते हैं इसलिए। अभी आवाज आ रही है? यस सर। अबे छुट्टी वाले दिन में क्या होता है? घर वाले बोलते हैं भी कि पढ़ना पढ़ना है। यस सर। यस सर। तो कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छे लगता? आवाज नहीं आ रही क्या? तो सर आ रही है। अगर घर वाले डांटते हैं आप लोगों को तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है आप सर लोगों को? डांटते तो नहीं है लेकिन सर बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए बोलते हैं। सर क्लासेस होती हैं तो फिर ये हो जाता है क्लासेस में पढ़ लिया, थोड़ी देर रेस्ट ले लो क्योंकि फिर फोन के आगे बहुत देर तक रहते हो। सर छुट्टी वाले दिन तो फिर पढ़ना ही पढ़ना है। ओह माय गॉड, कितना मतलब बर्डन है आप लोगों के ऊपर, है ना? यस सर। बहुत बर्डन है आप लोगों के लिए, है ना? दुनिया भर का इतना होना ही चाहिए वैसे, पर है फिर भी। क्या कर सकते हैं बताओ, क्या करें? लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? सर बैक्टीरिया में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बता दिया था। सर सेल वॉल के लिए थी, सेल वॉल के वन। गुड इवनिंग सर। हेलो, यस सर। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? सर बैक्टीरिया का ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव हो गया था। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम सेल नेगेटिव वॉल में क्या के बारे डिफरेंस में होगा? चल रहा था। सर सर मुझे सर दो डाउट हैं। हाँ बोलो। सर सेमी प्रियम्बल मेम्ब्रेन क्या होता है? जो सेलेक्टिवली चीजों को परमेबल बनाता हूँ, मतलब उसके थ्रू चीजें आ जा सकती हो सेलेक्टिवली, सर ये भी कह नॉट सकते हैं कि वो कुछ ऑल स्पेसिफिक चीजों को सेलेक्टिवली। एंटर और एग्जिट करता हो। हाँ बिल्कुल। एंड सर व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस, यस सर। मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई थी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। यस सर। पहले मुझे वो बताओ, वो तीनों होती क्या है?
सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो हमारा सेल के अंदर जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, और जो नहीं सर उसके अंदर जो बाहर का कंसंट्रेशन होता है सर वो ज्यादा होता है, उसके सेल के अंदर जो वाटर है उसके अंदर कम होता है, तो वाटर उसके अंदर जाता है सेल के अंदर, तो सर वो सेल जो है सर वो सेलो हो जाता है सर, वो फूल जाता है, तो सर उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सर दोनों तरफ से सेम होता है। ओके। और सर हाइपरटोनिक में सर जो सेल के अंदर है सर उसके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन होता है बाहर के सॉल्यूशन के मुताबिक। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैंने बोला नहीं ना, मैं इस बच्चे की आवाज सुन रहा हूँ। क्या अभी भी नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही क्या? हेलो सर आ रही है? हाँ बोलो बोलो आप। सर आ रही है। सर मैंने बता दिया तीनों सॉल्यूशन। देखो अब तीनों में सही आप बताओ प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, थोड़ा सोचो और मुझे बताओ। सर इस प्रोसेस को ही कहते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं सर जो पानी सर अंदर बाहर जा रहा है, एक सर इसको तो ऑस्मोसिस कहते हैं। देखो जब सेल से पानी बाहर लूज करता है, जब सेल से पानी बाहर लूज करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, देखो कैसे पता लगा प्लाज्मोलाइसिस होता है, कैसे पता लगा अच्छा बताऊं, सिंपली बताओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आप अपने वॉल्यूम को ठीक करो या फिर अपने कनेक्शन को देखो। हेलो। हाँ अच्छा अभी कर लूंगा। आठ बजे तो एक घंटा बच रहा ना, अगर आठ बजे में तो एक घंटा में आ जाएगा, तो जल्दी छोड़ के आ जाएगा। यहाँ पे जा रहा हूँ पेशेंट। कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में छोड़ के एम्बुलेंस पेशेंट यहाँ पे लेके जा। हेलो बेटा आवाज आ रही है? यस सर आवाज। यस सर। यस सर। क्या हो गया था पहले? देखो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेल है उसमें से पानी जब लूज करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस सर अब ठीक हो गई है?
देखो लाइसिस का, देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि बायोलॉजी के अंदर क्या है कि कोई भी टर्म हो बायोलॉजी के, देखो बायोलॉजी सबसे आसान क्यों है और सबसे हार्ड क्यों है, दोनों में फर्क है, आसान क्यों है और हार्ड क्यों है। सबसे हार्ड क्यों है, क्योंकि इसमें बच्चे सोचते हैं कि रटने वाला पोर्शन है, इसे रट लो, जिसने रट लिया, जिसकी कैपेबिलिटी अच्छी है रटने की, वो बच्चा बहुत अच्छा है, जिसकी कैपेबिलिटी बहुत वीक है तो बच्चा बहुत बेकार है बायोलॉजी के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है यार। जिसने बायोलॉजी को समझना है, टर्म्स को तोड़ो और मीनिंग निकाल लो, टर्म्स को तोड़ो और मीनिंग निकाल लो, है ना। लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन या फिर टूटना, और प्लाज्मो का मतलब है प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है ये वाला प्लाज्मा, सेल का प्लाज्मा, ये सेल का प्लाज्मा, प्लाज्मा का टूटना, दैट इज अ प्लाज्मोलाइसिस। अब सिंपल सी बात है, अगर प्लाज्मा टूट रहा है तो कैसे टूट सकता है, जब पानी बाहर निकलेगा उससे, क्यों भाई? यस सर, सिंपल सी बात है, रटने की भी जरूरत नहीं है अपने को, है क्या? नो सर, है क्या रटने की जरूरत, बताओ। नो सर, नो सर, सर कुछ भी नहीं है रटने की तो जरूरत इसमें। तो वही तो कह रहा हूँ, बायोलॉजी अगर आपको मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो सबसे आसान होता चला जाएगा। लेकिन आप लोग सोचोगे यार बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, ये है, रटना पड़ता है। यार जब मैं स्टार्टिंग में मैंने बायोलॉजी ली थी 11th क्लास में, तो मैं भी ये सोचता था यार रटना पड़ेगा इसको, तो भाई इसको तो बहुत मुश्किल है, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन फिजिक्स में क्या, फॉर्मूला यूज़ करो, कुछ भी एक मतलब अपना कंसेप्ट बना लो, उस चीज़ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। लेकिन बायोलॉजी क्या डिफिकल्ट, मतलब डिफरेंट थिंग है। लेकिन जब से मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करा है, तो आज मैंने मतलब डॉक्टर हूँ मैं आज, तो मतलब ईजी होता चला गया मेरे लिए। तो मैं भी वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट लोगे किसी भी चीज़ में, इंटरेस्ट से पढ़ोगे, आप मोहब्बत करोगे किताबों से, किताबों से मोहब्बत करना है, किसी और चीज़ से मोहब्बत नहीं करना है, किताबों से करना है, ठीक है। लेकिन सर इसके अंदर जो नाम है सर, वो थोड़े हार्ड है बेटा, कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना, है ना, कोई इंसान ऐसे ही तो नहीं अच्छा बन जाता है, कुछ तो उसने सैक्रिफाइस किया होगा ना, ठीक है। तो थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको भी थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा ना। ओके सर, ठीक है, थोड़ा करो आप लोग भी, मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा करो, लेकिन थोड़ा करो, इंटरेस्ट लो बस। तो लास्ट क्लास में कहा था हुआ था हमारा, अब मेरे को बताओ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है। बताओ सर, ग्राम पॉजिटिव में सर सिंगल लेयर की सेल वॉल होती है सर, वेयर एज ग्राम नेगेटिव में सर टू लेयर की सेल वॉल होती है। बस सिंगल लेयर टू लेयर में भी क्या डिफरेंस है भाई, ये बताओ। सर ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन एक ही लेयर होती है और उसमें दो होती है, एक पेप्टिडोग्लाइकन और एक एलपीएस। तो एलपीएस क्या होता है सर? लिपिड प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड। नहीं होगा, अभी नहीं होगा, नहीं मिलेगा। अनुज कहां, अनुज कहां? अनुज लाइफ में रोटी है। हाँ चलो, मैं तो 8 बजे रोटी होगी बाकी। नहीं नहीं, और कौन है खाली? आशीष। आशीष रहने का हैंड वो बड़े ग्रैंड बाबा ने और बना दियो हमारी सर, ट्रेन चाहिए ना मैं डॉक्टर ना है। हाँ बोलो बेटा। सर लाइपोपॉलीसेकेराइड। ओके ओके, नहीं कोई नहीं। ओके ओके, एग्जांपल्स क्या क्या बताए थे मैंने आपको? सर ग्राम पॉजिटिव के सर बैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम और लैक्टोबैसिलस, और सर ग्राम नेगेटिव के सर ई कोली। सर ग्राम नेगेटिव के सर ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल्स ई कोली, एग्रोबैक्टीरिया और राइजोम्स। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये याद रखने आप लोगों, ठीक है। और प्लांट की सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके थे, फंजाई की सेल वॉल पढ़ चुके थे। यस सर, पढ़ चुके। ओके, और एक्सपेरिमेंट किया हमने कोई?
सर नहीं पढ़ा सर। संजय की सेल वॉल सर पढ़ ली संजय, और प्लांट सेल वॉल पे चल लेते। ओके तो प्लांट सेल वॉल देखो, अब प्लांट की सेल वॉल मैं बताता हूँ मैं आपको। प्लांट की सेल वॉल पे चल रहे थे अब प्लांट सेल वॉल, ठीक है प्लांट सेल वॉल, ठीक है। जो प्लांट की सेल वॉल होती है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है इससे, मेड अप ऑफ, पता किसी को? पेक्टिन सेलुलोस और हेमी सेलुलोस और लिग्निन। पेक्टिन से बनी होती है, सेल्यूलोस से बनी होती है, लिग्निन, हेमी सेल्यूलोस हो गया और लिग्निन हो गया, ठीक है। इन चारों चीजों से मिलके बनी होती है, ठीक है। लेकिन एक ही सेल में चारों हो, क्या पॉसिबल है ये चीजें? नो सर। देखो No. जैसे जैसे मान लेते हैं, देखो प्लांट की जो सेल होती है ना वो भी डिफरेंट टाइप की होती है, यानी कि प्लांट एक ही सेल से मिलके बना होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर कितनी सेल वॉल सेल्स होती है प्रेजेंट? से ट्रिलियंस नहीं, कितनी टाइप की सेल वॉल होती है या सेल होती है, सॉरी मैनी टाइप्स होते हैं सर। कितने टाइप्स होते हैं मतलब मैनी में? सर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओके मसल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही सही जा रहे हो आप। और आंसर देखिए ह्यूमन के अंदर कितने सर, स्पर्म सेल, सर स्पर्म सेल, ओवम सेल, फैट सेल और स्किन सेल। देखिए ह्यूमन के अंदर सेल्स जैसे नर्व, नर्व सेल हो गई अपनी, ठीक है, मसल्स, मसल सेल हो गई अपनी, ठीक है, एपिथेलियल सेल हो गई, ठीक है, और कनेक्टिव सेल हो गई। ये सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होती है, मतलब डिफरेंट टाइप की सेल होती है पर डिफरेंट फंक्शन होते हैं इनके, ठीक है। ऐसे ही प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे डिफरेंट, देखो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा टिश्यू के ऊपर ही है पूरा का पूरा, तो टिश्यू के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन प्लांट की मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो प्लांट होता है प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, सेल जैसे कौन कौन सी, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा हो गया, कोलेन्काइमा हो गया, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा हो गया, ठीक है। जो पैरेन्काइमा होता है वो मेड अप होता है सेलुलोज से, बना होता है सेलुलोज की सेल वॉल से, ठीक है। जो कोलेन्काइमा होता है वो किस चीज से बना होता है? पेक्टिन सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज प्लस सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज से, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा लिग्निन से, ठीक है। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो डेड सेल होती है प्लांट के अंदर, और जो कोलेन्काइमा होता है, और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है वो लिविंग सेल होती है, ठीक है। तो देखो प्लांट के अंदर भी डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, ये नहीं कि मैंने सिर्फ तीन सेल बताई है, और भी सेल होती है, तीन मेन सेल होती है हमारी, ठीक है। ये जो सेल होती है तीनों तीनों, ये सिंपल सेल होती है। कौन सी सेल होती है? सिंपल सेल होती है हमारे प्लांट के अंदर, ठीक है। तो देखो डिफरेंट प्लांट्स की सेल जो है डिफरेंट चीज़ों से बनी होती है। जो पैरेन्काइमा होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, कोलेन्काइमा पेक्टिन सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज से, जो स्क्लेरेन्काइमा होती है वो लिग्निन से बनी होती है, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ठीक है, हमने एक लीफ ली है, ठीक है, लीफ की एक झिल्ली जो होती है ना, लीफ का एक पार्ट जो होता है उसको लेके हमने माइक्रोस्कोप में रखा, मतलब एक स्लाइड के ऊपर एक माइक्रोस्कोप में हमने देखा। तो हमने देखा कि जो सेल है, मतलब देखो ऐसे कैसे, देखो हमने क्या करा कि हमने देखा कि ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ठीक है। अब देखो ये तो चलो एक्सपेरिमेंट नहीं बता रहा मैं आपको, मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ।
लीफ लीफ है, लीफ को मैंने यहाँ से काट दिया है, कट कर दिया लीफ को, कट कर दिया है, सी यू टी कट, कट कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। लीफ का सिर्फ इतना सा पार्ट बचेगा ऐसे, है ना, तो थ्री डी स्ट्रक्चर में देखूंगा कुछ ऐसे, यस सर, है ना, ऐसे कुछ बनेगा है, बचेगा है ना, थ्री डी स्ट्रक्चर में, है ना, यस सर, ऐसे ही है ना, है ना, यस सर, ऐसे है ना। तो अब देखो कि अगर मान लो कि मैं नेमिंग करूंगा लीफ की, मैं ये ऊपर वाला पार्ट हो गया एबव वाला और ये नीचे वाला पार्ट हो गया लीफ का, है ना, ऐसे लीफ हो गई है, यस सर, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले पार्ट, ये हो गया अपर पार्ट, ये हो गया अपर पार्ट और ये वाला हो गया लोअर पार्ट, ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया। तो अपर पार्ट पे क्या होता है, लोअर पार्ट पे क्या होता है, देखते क्या होता है। अपर पार्ट पे जैसे ये एक लेयर है ना, ये लेयर, ठीक है, ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अपर ऊपर वाली साइड पे, इसके नीचे प्रेजेंट है यहाँ पे एक सेल, इस टाइप की सेल यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कुछ चीजें सेंटर पे प्रेजेंट है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। इस सेंटर पे प्रेजेंट क्या है, जाइलम प्लस फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है, जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम को हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये रेड कलर में मैंने सेल दिखाई है, इसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल, ठीक है। मीजोफिल सेल्स के नीचे होते हैं पे यहाँ पे एक और सेल, है ना, यहाँ पे एक और सेल होगी, है ना, ये ऐसे करके, फिर फाइनली नीचे एक लेयर आ जाएगी, यहाँ पे एक और लेयर हो जाएगी, और जो बीच में गैप दिखा रहा है दैट इज द स्टोमेटा, ठीक है। अब देखो ये जो लेयर है, अपर लेयर जो है, इसको हम बोलते हैं, ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस लेयर। नीचे वाली लेयर को भी हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस, ठीक है। तो अपर लेयर इज द एपिडर्मिस एंड लोअर लेयर इज द एपिडर्मिस। फर्क क्या है कि अपर लेयर में कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है और नीचे वाली लेयर पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई ऊपर वाली लेयर पे स्टोमेटा नहीं हो भी सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे हो सकते हैं, देखो प्लांट, जो प्लांट होता है वो दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक मोनोकोट होता है, एक डाइकोट होता है। सुना मोनोकोट कौन से होते हैं, हाँ डाइकोट कौन से होते हैं, ठीक है। जो मोनोकोट प्लांट होता है इसके अपर लेयर पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, अपर लेयर पे भी स्टोमेटा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सर नहीं पता, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, अब सुन लो, है ना, इसके अपर लेयर पे भी प्रेजेंट रहते हैं और लोअर लेयर पे भी प्रेजेंट रहते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट। डाइकोट में क्या होता है कि अपर वाले पे एब्सेंट रहते स्टोमेटा और लोअर वाले पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर, यस सर। अब देखो कि भाई अब ये मीजोफिल सेल्स है हमारी, मतलब मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है, अपर लेयर जो होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती है और यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी,
है ना, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी ऐसे करके, और बीच में जो ये लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये वाली इसको भी हम मेसोफिल सेल्स बोलते हैं, मेसोफिल सेल बोलते हैं। फर्क क्या है दोनों में, जो अपर वाली मेसोफिल सेल्स है इसको, इसका पूरा नाम है पैलिसेड मेसोफिल सेल, और जो लोअर लेयर होती है उसका पूरा नाम क्या है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। ठीक है सर, मतलब मेसोफिल सेल के दो टाइप्स हो गए। हाँ, मेसोफिल सेल्स दो होती है, एक एक होती है पैलिसेड मेसोफिल सेल्स और दूसरी क्या होती है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला कि ये अपर लेयर है, देखो ये है अपर लेयर, ये वाली है अपर लेयर, ये अपर लेयर मेड अप ऑफ एपिडर्मिस सेल। ठीक है, ये एपिडर्मिस सेल हो गई, ये वाली है ना एपिडर्मिस सेल, ई फॉर एपिडर्मिस। इसके नीचे ऐसे मैं गोल गोल सेल बना दूंगा, डेट इज द मेसोफिल सेल्स। ठीक है, कौन सी मेसोफिल सेल्स है, पैलिसेड वाली। ठीक है, ओके भाई, फिर इसके सेंटर पे प्रेजेंट होंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये क्या है, वैस्कुलर बंडल्स वीबी, जो मैंने यहाँ पे दिखाए जाइलम एंड फ्लोएम, ये वाले है ना, बीच बीच में होते हैं। ठीक है, बीच बीच में होते हैं। ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल्स है हमारे। फिर दोबारा से मेसोफिल सेल्स आ गए यहाँ पे, स्पॉन्जी वाले है ना, फिर क्या हो गए, स्पॉन्जी वाले सेल्स आ गए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे स्पॉन्जी वाले सेल्स आ गए, फिर दोबारा से पैलिसेड वाले सेल आ गए, और नीचे वाली लेयर क्या हुई, फिर से एपिडर्मिस आ गई, नीचे वाली लेयर, ये फिर से एपिडर्मिस लेयर आ गई। ठीक है, यस सर, समझ में आ रहा ना, यस सर आ रहा है, ओके। तो जो जो ये वाली सेल है मेसोफिल सेल, जो ये मैंने रेड कलर में मेसोफिल सेल बता रखी है आपको, जिसका नाम है पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, इसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको, जो ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स है, इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है पैलिसेड मेसोफिल सेल्स के अंदर। और जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये वाला जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं प्रेजेंट क्लोरोफिल, क्या रहते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं। हाँ, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं, और क्लोरोफिल की हेल्प से ही प्लांट क्या करता है, डूइंग फोटोसिंथेसिस। समझ में आया भाई, मैं क्यों बताना चाह रहा था, इतनी सारी डिटेल क्यों बताई मैंने आपको। यस सर, यस सर, यस सर, भाई समझ में आया ना, यस सर, यस सर, मगज में आया ना आप लोग, यस सर, आ गया, यस सर, सर आ गया। हाँ, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मान लेते हैं ये वाली जो रेड कलर की जो सेल है, दैट इज द मेसोफिल सेल्स, ये हमारी मेसोफिल सेल्स है वाली। ठीक है, मेसोफिल सेल्स के अंदर मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट होता है, ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट, ऐसे मान लिया हमने क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में वाइट कलर में, ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसे स्ट्रक्चर, इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है ऐसे। ठीक है, जो ये वाली स्ट्रक्चर है, इनको पूरे को मिला के एक सिंगल वाले को ऐसे, इनको बोलते हैं ग्रैनम, क्या बोलते हैं, ग्रैनम। अगर ये एक सिंगल पूरा का पूरा ग्रैनम है, तो ये बहुत सारे ग्रैनम प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना, यस सर। तो सिंगल सिंगुलर को हमने बोला ग्रैनम,
सिंगुलर को, है ना, और प्लूरल को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना, प्लूरल, है ना, ठीक है। यस सर। एक से ज्यादा ग्रैनम देखेंगे तो हम बोलेंगे ग्रैना, ठीक है। सर थोड़ा छोटा करो ना सर, स्क्रीनशॉट लेना है सर एक्सेल में। अरे मैं छोटा वोटा कहाँ से करूँ, मैं छोटा करूंगा कभी पूरा बंद हो जाए, ठीक है। देखो अगर मैं बात कर रहा हूं, ये जो ग्रैनम मैंने बनाया है, ग्रैनम का जो फर्स्ट वाला गोल गोल होता है ये वाला फर्स्ट, चाहे सेकंड वाला हो चाहे थर्ड वाला हो, लेकिन एक सिंगल वाले सर्कुलर को हम बोलेंगे क्या, थाइलाकोइड, क्या बोलेंगे, थाइलाकोइड, हाँ, पूरे को बोल ले ग्रैनम, एक सिंगल वाले को बोल ले थाइलाकोइड, क्या बोल रहे थाइलाकोइड। इस थाइलाकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। आपसे पूछे कहाँ प्रेजेंट होता है तो कहाँ बोलोगे आप, थाइलाकोइड के अंदर। और थाइलाकोइड कहाँ पे होता है, ग्रैनम के एक पार्ट को बोलते हैं थाइलाकोइड, ठीक है। और जो ये जो ग्रैनम है ये कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, मेसोफिल सेल्स के अंदर। और मेसोफिल सेल्स कहाँ रहती है, लीफ के अंदर, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है। और आपको पता है क्लोरोफिल जो होता है, इसी इस जो क्लोरोफिल होता है ये क्या होता है, पिगमेंट होता है ना, पिगमेंट होता है ना ये। यस सर। और जो ये पिगमेंट होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना। यस सर। और इसी की वजह से जो लीफ होती है हमें कैसे दिखाई देती है, ग्रीन दिखाई देती है ना, ग्रीन सर। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। अब बात करता हूँ मैं एक्सपेरिमेंट की, जो हमारे एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दे रखा है। अभी तो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया नहीं मैंने आपको। देखो मैंने क्या करा कि पील ऑफ ऑफ रियो प्लांट, एक प्लांट है बस, है ना, कोई भी ले सकते हो, लेकिन जिस साइंटिस्ट ने प्लांट लिया है वो लिया था रियो प्लांट, ठीक है। इस प्लांट की पील, पील का मतलब झिल्ली, झिल्ली समझते हो ना, जैसे प्याज की जो व्हाइट कलर की झिल्ली होती थी। Yes, sir. वो हमने ली और उसको हमने पुट कर दिया, पुट ऑन वाटर स्लाइड, है ना, स्लाइड पे हमने उसको रख दिया। फिर हमने रखने के बाद ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंडर हमने उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद क्या गया, क्या देखा हमने, वी फाउंड, क्या हमने देखा, वी फाउंड स्मॉल ग्रीन ग्रैनुलर, है ना, ग्रैनुलेस कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हमने जो रियो प्लांट लिया, हमने रियो प्लांट में क्या किया, रियो लीफ लिया हमने, ठीक है। तो वी फाउंड स्मॉल ग्रीन ग्रैनुल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कंटेन करता है, कंटेन ग्रीन सब्सटेंस, कंटेन ग्रीन सब्सटेंस दैट इज ग्रीन पिगमेंट, दैट इज ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इजी हो गया ना आप लोगों के लिए अब। यस सर। तो वाटर स्लाइड क्या हो गया? देखो वाटर स्लाइड का मतलब है कि जो हमने स्लाइड ली है उस पे थोड़ा वाटर का कंटेंट भी प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप इसको नोट करो जल्दी फटाफट, और जो ऊपर मैंने बातें बताई है उसको भी नोट करो। सर डन, ये नोट कर लेना, ये जो मैंने लिखा ऊपर भूल जाना नहीं सर आप लोग, ये जो मैंने बनाया भी यहाँ पे, ये नोट किया आप लोगों ने? नो सर। तो ये नोट करो ना, जरूरी तो ये है ना। यस सर।
ये तो आपका बेस बनाएगा आपके लिए, है ना सर? ये नोट कर लेते हैं, नीचे आ रहा है। हाँ ये पहले नोट करो, पहले ये ऊपर वाला, ये जरूरी है आप लोगों के लिए, है ना? आप लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए ना, मैंने क्या बताई आप लोगों को? सर हमने लीफ को सर काट दिया था, मतलब मजे के लिए काट दिया हमने, फन कर लिया हमने लीफ के साथ, है ना? नहीं एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कुछ ना कुछ तो देखेंगे ना। सर डन। ओके ये भी हो गया। डन सर। ओके आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? अब सेकंड हमने सबसे फर्स्ट में क्या पढ़ा था, न्यूक्ली जो सेल कंपोनेंट होते हैं उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? हाँ भाई बताओ सर। सबसे पहले तो सेल, सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, ठीक है? सेल का पहले कंपोनेंट हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड सर सेल वॉल। सेल वॉल। अब हम थर्ड पढ़ने वाले हैं सेल कंपोनेंट में, न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बिल्कुल, ठीक है? न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है? क्या बोलेंगे इसे? ब्रेन ऑफ सेल। और डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है? अगर मैं एक सेल की न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखूंगा, जैसे क्योंकि अगर ये सेल है हमारी, ये सेल है तो उसके सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है ना? ये न्यूक्लियस हो गया। यस सर। यहाँ पे मैं न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बनाता हूँ। न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। इस टाइप से ठीक है, ऐसे होता न्यूक्लियस, है ना? यहाँ पे न्यूक्लियस के यहाँ पे पोर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, पोर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है? जो न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे पोर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के यहाँ पे, ठीक है? ऐसे करके। ओके यस सर। ये जो लेयर मैंने बनाई है, ये लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है? और जो रेड कलर में मैंने दिखाया है आपको, ये है न्यूक्लियर पोर। क्या ये न्यूक्लियर पोर, पोर,
ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होती है, दैट इज अ न्यूक्लियोलस. क्या होती है? न्यूक्लियोलस. ठीक है, क्या होती है? न्यूक्लियोलस. बिल्कुल. और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन. क्रोमेटिन. ठीक है, क्रोमेटिन. ठीक है. क्रोमेटिन भी दो टाइप का प्रेजेंट होता है इसके अंदर ही. ठीक है, एक तो होता है क्रोमेटिन यू क्रोमेटिन, और जो दो दूसरा टाइप का क्रोमेटिन होता है वो होता है हेट्रोक्रोमेटिन. ठीक है, तो दो टाइप का क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है. ओके, देखो यस सर. मैंने आपको बताया बायोलॉजी के अंदर एक अच्छी चीज है कि वर्ड्स को तोड़ो और मीनिंग निकाल लो. तो अगर यू का मतलब निकालेंगे, यू का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रू. ठीक है, यू का मतलब हो गया ट्रू, और क्रोमेटिन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे प्रेजेंट है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ट्रू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इसका मतलब है जो ये यू क्रोमेटिन है, जो ये वाला क्रोमेटिन है, ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है. ट्रांसक्रिप्शनली समझ नहीं आया सर. एक्टिव है. आएगा समझ में? ट्रांसक्रिप्शन मतलब? हाँ, आएगा समझ में, बताता हूँ. और जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो क्या है? वो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. ठीक है, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यू का मतलब ट्रू होता है कहीं पे भी, जैसे आगे जाके आप पढ़ोगे यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तो यू का मतलब हो गया ट्रू और बैक्टीरिया का मतलब हो गया बैक्टीरिया, है ना? तो ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया? यूकैरियोटिक भी होता है, प्रोकैरियोटिक उसमें भी पढ़ा था. नहीं, ये अलग होता है. हाँ, तो अगर यू कैरियोटिक प्रो कैरियोटिक वो लगी चलो गया, चलो ठीक है, आपने बोल दिया तो मैं इसको भी बता देता हूँ. जैसे आपने बोला प्रो कैरियोटिक, आपने बोला यू कैरियोटिक, ठीक है ठीक है. यू का मतलब हो गया ट्रू, और प्रो का मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव. ठीक है. सर, हाँ, सर ये न्यूक्लियस वाला एक बार और बता दीजिए. सर अभी तक कुछ बताया नहीं, सिर्फ नेमिंग बताई अब तक तो मैंने. ओके सर. ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बताया. पहले मैं यू और प्रो जो इस बच्चे ने पूछा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ. जैसे हम पढ़ते हैं प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक. ठीक है, यू का मतलब हो गया ट्रू, क्या हो गया? ट्रू. ट्रू. और कैरियोटिक मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस. तो यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, है ना? अगर मीनिंग निकालेंगे हम इन दोनों का, तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो जाएगा? कि यू मतलब ट्रू और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो. ठीक है, ठीक है भाई. यस ओके. और मैं बात करूं जैसे प्रो कैरियोटिक, प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं हुआ ये प्रिमिटिव हो गया, मतलब पहले वाला न्यूक्लियस जो पहले होता था ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? प्रो कैरियोटिक, मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले, मतलब इनके अंदर न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है. देखो जो ये वाली मैंने दिखाई आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मैंने ये वाली शो की है आपको, है ना, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एक क्या है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है हमारी, ये वाली है ना, ये वाली क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है हमारी. यस सर. ठीक है, यस
जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक हो गए, और जिसके अंदर एब्सेंट है वो प्रोकैरियोटिक हो गए, है ना? यस सर। ठीक है, तो अब समझ में आया फंडा? अब बात करते हैं क्रोमैटिन की। यहाँ पे हम क्रोमैटिन लेके चल रहे थे, तो ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमैटिन। क्रोमैटिन दो टाइप का होता है, यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यू का मतलब होता है ट्रू, और क्रोमैटिन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो। अगर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा तो वो आने वाले जनरेशन में हमें दिखाई देगा, लेकिन हम बोले ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मतलब आने वाले जनरेशन में ये दिखाई नहीं देगा, है ना? ये जो होता है ये लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है। ये क्या होता है? ये डेंसली पैक्ड होता है, डेंसली सर टाइटली पैक्ड। डेंसली बोल दो या टाइटली बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, ये टाइटली बोल लो आप, चलो आपकी बात रख लेते हैं, टाइटली पैक्ड। ठीक है, देखो जब न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस है इसके अंदर मेरा क्रोमैटिन है। ठीक है, ये क्रोमैटिन जो है वो डीएनए होगा, है ना? डीएनए तो होता है ये सर। हाँ सर, ट्रांसक्रिप्शनल का मतलब समझ में नहीं आ रहा। यही बता रहा हूँ मैं आपको, जो ये डीएनए है, जो क्रोमैटिन बोल रहे हैं, क्रोमैटिन क्या होता है, कंडेंस्ड होकर डीएनए की शेप ले लेता है। ठीक है, क्रोमैटिन जो होता है वो डीएनए की शेप ले लेता है फाइनली, है ना? आगे जाके, है ना? ठीक है, यस सर। जो ये डीएनए होता है, ये डीएनए से डीएनए बनाता है फिर बाद में, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। हाँ, फिर डीएनए से डीएनए बनाएगा, फिर डीएनए से बनाएगा आरएनए। क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? डीएनए, आरएनए, आरएनए। तो जब डीएनए से आरएनए बनाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, है ना सर? वो स्टार्टिंग में पहले डीएनए होता है सर, फिर वो डीएनए बनाता है, उसके बाद आरएनए बनाता है। हाँ हाँ, आरएनए बनाएगा, फिर उसके बाद बनाएगा आरएनए से प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन, प्रोटीन। जब आरएनए से प्रोटीन बनाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है सर, रेप्लिकेशन का मतलब क्या? रेप्लिकेशन का मतलब रेप्लिकेट करना, मतलब अपनी जैसी कॉपी बनाना। ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है जो यू क्रोमैटिन होगा वो आगे जाके यूजफुल होगा हमारे लिए, है ना? क्योंकि वो एक्टिव है, ट्रू है वो, है ना? यस सर, यस सर। जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो इनएक्टिव है, वो यूज नहीं होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, यस सर, यस सर। मतलब एक सेल के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा होगा? न्यूक्लियस। बिल्कुल ठीक है, अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस को लेके क्या डिफरेंस है। एक तरफ लिखते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ लिखते हैं यूकैरियोटिक। पहला पॉइंट सर, ये इंपॉर्टेंट है ना सर, इनके डिफरेंस? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों के लिए।
ठीक है? ओके सर। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, सेल डू नॉट पोसेस न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है? जो यूकैरियोटिक्स होते हैं, ये वाले सेल पोसेस न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है? समझे? नहीं समझे? एक है डू नॉट पोसेस, एक है पोसेस। यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, होता है यहाँ पे। ओके, मैंने अभी बताया था आप लोगों के पास, जो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, इसका मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। और यू का मतलब हो गया ट्रू, ट्रू, ठीक है? और कैरियोटिक का मतलब हो गया न्यूक्लियस, कैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक के पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक के पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रिमिटिव का मतलब ओल्ड, ओ एल डी, ओल्ड मतलब पुराने वाला न्यूक्लियस। तो जो पुराने वाला जो न्यूक्लियस होता था उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता था एक्चुअली में, सिर्फ न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी वहां पे, ठीक है? यस सर। और जो न्यूक्लियस के पास आसपास जितने भी ऑर्गेनल प्रेजेंट थे बाकी वो एब्सेंट थे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए ऑर्गेनल भी एब्सेंट है। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसलिए ऑर्गेनल भी प्रेजेंट है यहाँ पे। सर पोसेस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? रखना, रखना, अधिकार में रखना, रखना होता है मतलब। ओके सर। जो साइज होता है न्यूक्लियस का, साइज ऑफ ए न्यूक्लियस, ये होता है 1 to 10 micrometer, ठीक है? यस सर। और जो यूकैरियोटिक्स के अंदर 10 to 100 साइज होता है वो कितना होता है? 10 to 100, 5 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है? 10 बोलो या 5 बोलो, अलग अलग जगह में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है? यस सर। यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा, होगा। मैंने बताया ना आपको, मैं प्रेजेंट को ऐसे लिखता हूँ, है ना? यस सर। और एब्सेंट को ऐसे लिख देता हूँ मैं, है ना? Yes, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, है ना? यस सर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट, ठीक है? यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या नहीं होगा? न्यूक्लियोलाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। सर प्रोकैरियोट के अंदर सर क्रोमोसोम सिंगल होंगे और सर यूकैरियोट्स में सर ज्यादा होंगे सर, एक से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंसिस्ट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, है ना? इन द न्यूक्लियोइड, ठीक है? और यहां पे क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ
कंसिस्ट ऑफ लीनियर क्रोमोसोम, ठीक है, इन द न्यूक्लियस, ठीक है, जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है ना उस एरिया को न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं हम, ठीक है? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। एनवेलप किसे कहते हैं? एनवेलप बोलते हैं मेम्ब्रेन को मिला के, सारी मेम्ब्रेन जितनी भी प्रेजेंट होती है ना एक सेल या कवरिंग पे, उसको बोलते हैं एनवेलप, ठीक है? यस सर। सर आप आगे बढ़ते हैं। सर इधर लिखा है सर कि न्यूक्लियस सर लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है सर, पर कुछ में तो सर वैक्यूल होता होगा ना? सर कुछ सेल्स में, सर कुछ प्लांट सेल्स में सर वैक्यूल बड़ा होता होगा सर न्यूक्लियस से। हाँ हो सकता है। ओके सर, वैक्यूल बड़ा हो सकता है। और वैक्यूल का काम क्या होता है? हाँ भाई, भाई वैक्यूल का काम क्या होता है? सर स्टोरेज, स्टोरेज सैक्स होते हैं सर। बस सर वैक्यूल के ऊपर की लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। स्टोरेज होते हैं क्या चीज़? सर वैक्यूल के ऊपर की लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं सर। तो वैक्यूल किस चीज में काम आएगा सर? स्टोरेज, ऑस्मो रेगुलेशन के काम आता है वो, ठीक है? सो कैन यू रिपीट? वो ऑस्मो रेगुलेशन के भी काम आता है जो वैक्यूल होता है, ठीक है? देखो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, कि मैंने बोला आपको नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट कि भाई जैसे ये प्रोकैरियोटिक की सेल हो गई, यहाँ पे यूकैरियोटिक की सेल हो गई, ठीक है? डिफरेंस देखते हैं। मैंने बोला इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सिर्फ एक क्या होता है इसके अंदर, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है यहाँ पे, ऐसे सिंगल सर्कुलर डीएनए। हाँ ये सर्कुलर डीएनए हो गया, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, सिर्फ सेंटर पे सर्कुलर होता है, और जो ये एरिया होता है ये उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है? और यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता बाकी, ठीक है? सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है? और इस एरिया को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है? लेकिन अगर यूकैरियोटिक की सेल बोलूँ मैं, तो यूकैरियोटिक की सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है ना, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है? ये हमारा क्या है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनल प्रेजेंट है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इस टाइप से। यस सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, ठीक है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? यस सर।
माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, सब वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो देख लो ये सब चीजें एब्सेंट होती है ऑर्गेनल में, इसमें प्रोकैरियोटिक में, पर यूकैरियोटिक में सब चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है ना। यस सर। सर हाँ सर, यूकैरियोटिक सेल में सर जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर सर डीएनए है सर, न्यूक्लियस डीएनए को प्रोटेक्ट करता है ना। बिल्कुल करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। न्यूक्लियस का कौन डीएनए होता है ना, क्या न्यूक्लियस का खुद का डीएनए होता है ना। मतलब सेल का खुद का डीएनए होता है, तो न्यूक्लियस तो पार्ट होता है सेल का। ठीक है। यस सर। देखो अगर मैं जो ये मैंने डीएनए बनाया है यहाँ पे, जो ये वाला डीएनए है मेरा, ये वाला है ना, इस डीएनए को अगर मैं देखूंगा ध्यान से तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, इस टाइप से है ना, ऐसे कर कुछ है ना, और ये आपस में कनेक्ट होगा किसी बॉन्ड के थ्रू, डीएनए के सेगमेंट। ठीक है। Yes, sir. इस डीएनए के सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन, क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, या यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये हमारी है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है डीएनए पे। ठीक है, ये हमारा डीएनए हो गया, ये वाला, ये डीएनए हो गया, और ये डॉट डॉट हो गया हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये जो डीएनए है या ये हिस्टोन प्रोटीन है, दोनों के दोनों हम मिला के बोलते हैं, दोनों को मिला के बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को मिला के क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन मैंने बनाया है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है सर, ये ही होता है। हाँ। ठीक है। यस सर। ये क्रोमैटिन क्या होता है, ये कंडेंस्ड हो जाता है, क्या होता है, कंडेंस्ड। बिल्कुल, जो क्रोमैटिन जो होता है ये कंडेंस्ड हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है मतलब सिकुड़ जाता है, कंडेंस होने के बाद ये इस शेप में आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। ओके, ये वही क्रोमोसोम है, ये वही क्रोमोसोम है जो पेरेंट्स से, जो माँ बाप से कहा जाते हैं बच्चे में, ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, ये वही क्रोमोसोम होते हैं। ओके, यस सर। ये सारा जेनेटिक मटेरियल। हाँ, ओके। अगर मैं डीएनए की बात करूं, इस डीएनए की बात करूं, जो ये डीएनए है ये बना हुआ है कंसिस्ट ऑफ जीन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, किससे मिलके बना हुआ है, जीन से। तो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये जहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जीन ही कहलाते हैं। ठीक है, yes, sir. ये क्या करेंगे, फंक्शनल सेगमेंट होते हैं ऑफ डीएनए, डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, जो ये जीन होते हैं ये एक्चुअली में काम करते हैं, मतलब यही वो जीन है जो
पेरेंट्स से बच्चे में जाते हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स से सर ये कैसे जाते हैं, हैं? सर ये मतलब किस प्रोसेस से जाते हैं, मतलब जो आपके गैमेट्स बनते हैं फीमेल के अंदर मेल के अंदर उस प्रोसेस से। ओके सर। ओके ठीक है, तो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन, ठीक है, तो जो फंक्शनल सेगमेंट होगा इसके अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, जीन ही बोलेंगे। ओके यस सर। चलो इसको रिवाइज करो आप, ठीक है, ज्यादा पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे आप लोग, इसको रिवाइज करो, इसको नोट करो पहले। इसको नोट करो पहले सर। नोट तो सारा कर लिया। कर लिया आप लोगों ने? यस सर। सबने? यस सर कर लिया। नो सर। हाँ करो सर। दो पॉइंट रह गए बस। हाँ करो। सर। हाँ जी सर, मुझे आपकी जीमेल आईडी नहीं पता जिस पे मैं नोट्स भेज रही हूं। ओके जीमेल आईडी बताऊं मैं अपनी? यस सर। यस सर मुझे भी नहीं पता। चलो मैं लिखो आप लोग। सर आपने बताई नहीं तो कैसे पता चलेगा, आपने पूछी नहीं ना। ओके सर। एच ए जेड ए आर डी ओ यू एस ए बी एच आई एट द रेट जी मेल, ठीक है। मिल गई? यस सर। यस सर। और किसी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो फोन नंबर भी नोट कर लो आप। नाइन एट नाइन 989-1280, ठीक है। यस सर। ओके यस सर। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि जैसे सेल है, ये वाली जो सेल मैंने बताई यहाँ पे जो सेल है, तो ये न्यूक्लियस हो गया है ना, अंदर वाला पार्ट। न्यूक्लियस के बाहर जो ये पार्ट होता है, ये वाला यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सर ये सर दो पार्ट में डिवाइड होता है सर, क्लोरोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है ना? यस सर। पर न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया के क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है ना? यस सर। और जो न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला यहाँ पे जो पार्ट होता है, सब क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। बिल्कुल, सेल के अंदर वाला पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे प्रेजेंट है अंदर की साइड है ना, यहाँ पे ये अंदर की साइड जो प्रेजेंट है, ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, ये वाला पार्ट है ना? यस सर। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीजें हमारे, एक है क्रोमैटिन और दूसरा न्यूक्लियोलस है ना? यस सर। तो यहाँ पे लिखते हैं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो कंटेन करता है दो पार्ट, कंटेन टू पार्ट, वन इज क्रोमैटिन
है ना, और सेकंड इज न्यूक्लियोलस, ठीक है? यस सर। जो क्रोमेटिन होता है वो किस काम में आता है? जो क्रोमेटिन होता है वो क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ना? यस सर। यस सर। और किस काम में आता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन में काम आता है ना? यस सर। है ना? और ये वही पार्ट होता है, यस सर, क्रोमेटिन वही पार्ट होता है जो कंडेंस्ड होके कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम, ठीक है? यस सर। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये सिंगल भी हो सकता है और मोर इन नंबर भी हो सकता है, ठीक है? एक से ज्यादा नंबर में भी हो सकता है, ठीक है? ये किस काम में आता है? ये हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बनाने में काम आता है। किस काम में आता है? प्रोटीन बनाने में, है ना? प्रोटीन सेंटर बनाता है, प्रोटीन सेंटर, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम भी प्रोटीन से बना होता है ना? यस सर। तो ये राइबोसोम बनाने में काम होता है जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है? ठीक है भाई? यस सर। ओके, तो फिर आज इतने ही रखते हैं, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में आप इसको पढ़ना है ना, एनसीईआरटी से भी, यहाँ से भी क्वेश्चन सोल्व करना है डीपीपी के, और मैं आप मुझसे डाउट नहीं पूछते बिल्कुल डीपीपी के। सर डाउट कुछ होते ही नहीं है। ऐसे कैसे? सर आप पहले ही सारा पढ़ा देते हो। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है, ठीक है? इसको पढ़ के आना है, नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा वाला, है ना? यस सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। बाय सर।